अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हालिया टेस्ट मैचें जो चल रही है इसमें मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी को देखा जाए तो मतलब कि कोई ऐसी इनिंग नहीं जिसमें कोई 50 भी बना सका हो। तो शाहिद आफरीदी भी बोल पड़े, शायद पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मैच के लिए रिजवान को रेस्ट देकर सरफराज अहमद और शान मसूद को मौका देना चाहिए। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा, मैंने भी सुना है कि रिजवान ने कई बार टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके लिए मुल्तान टेस्ट की दूसरी इनिंग में मोहम्मद रिजवान को मौका दिया गया है, जबकि होता यह है कि ओपनर ना हो तो तीसरे नंबर पर वाला खिलाड़ी बतौर ओपनर ओपनिंग करता है। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स के पास पावर होती है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता रहता है तो वो सुपरस्टार बन जाता है। लिहाजा अब मोहम्मद रिजवान में वो मतलब कि पहले वाली ताकत नहीं रहे जो पहले सेंचुरियां बनाता था, तो अब किसी और नौजवान को मौका देना चाहिए, सरफराज को मौका देना